अब हमारा जो लास्ट सेक्शन है ई, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ई सेक्शन के अंदर भी दो सवाल है, 22 और 23वां, और वो चार चार नंबर के, मतलब ये भी 8 नंबर का आपका क्या है सेक्शन है, तो इसको भी हम जल्दी करते हैं। इसके अंदर क्या, एक सवाल के अंदर दो है, मतलब 22 में इसके अंदर दो है, फिर इसको ऑप्शन में दो, फिर इसको ऑप्शन में दो है, मतलब तीन तीन आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। और ये चौथा चैप्टर है, पूरा इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना, इससे आपके नंबर आने वाले हैं। तो मैं इसको केवल आपको एक करवाऊंगा, बाकी वाले आपको करना है ना, ऐसे मैं 21वें 22वें 23वें के अंदर भी ऐसे ही करूंगा। तो देखो हमारा जो सवाल है वो है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात, वेग स्थिरांक सूत्र ज्ञात करना। वेग स्थिरांक सूत्र यानी क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर क्या ज्ञात, वेग स्थिरांक सूत्र यानी क्या ज्ञात करके बताना है कि वो क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा है कि प्रथम अभिक्रिया की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता का घातों का योग एक होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता को घातों का योग एक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये ए है, ए से कोई प्रोडक्ट बी बना, अगर मैं इसमें पूछूं इसमें अभिक्रिया की दर कितनी होगी, तो आप कहोगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो आर है, आर अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है इसकी अभिक्रिया की सांद्रता के, ठीक है। इसके यहाँ पर इसका एक है, एक लिख दो, तो आर बराबर क्या आता है के एक की पावर वन, और वन को नहीं लिखते तो हम ऐसे लिखते हैं सिंपल, है ना भाई। यहाँ पर ये अभिकारक एक ही है, अभिकारक की पावर एक हो गई, तो जो अभिक्रिया की दर होती है, दर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार वो क्या होती है कि जो समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता के, तो जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नेतांक आता है क्या, जिसे आप वेग स्थिरांक सूत्र कहते हो, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कर बताते हैं। तो देखो मानो कोई रिएक्शन है, इसका अपन को एक सूत्र निकालना है, मानो कोई रिएक्शन है ए है, ए से आपके कोई पी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्शन है ए जिससे आपके पी प्रोडक्ट बन रहा है। मैं बात करता हूं टी बराबर जीरो समय पर सांद्रता, भैया टी बराबर जीरो समय पर इसकी सांद्रता क्योंकि सांद्रता मतलब इसकी मात्रा कितनी होगी। तो देखो कोई अभिकारक है, जब अभिक्रिया नहीं हो रही है तो इसकी मात्रा मैंने मान ली ए है, और जब अभिक्रिया नहीं हो तो उत्पाद तो बढ़े नहीं, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, जीरो हो गई। देखो भाई जब ये अभिकारक आपके पास में, अभिकारक ये मेरा मार्कर फुल भरा हुआ है, अगर मैंने इसको काम में नहीं लिया तो ये फुल ही भरा रहेगा, मान लो इसकी मात्रा कितनी ए है, और जब तक मैंने इस पर लिखा नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, मतलब इसकी भी कुछ मात्रा खर्च नहीं हुई है। अब t बराबर t समय पर सांद्रता, मानो मैंने t समय पर इसकी जो मात्रा खर्च हुई, कोई भी अभिकारक है a, उसकी कोई मात्रा खर्च होकर ये उत्पाद बन गया, x बन गया, मतलब a मात्रा थी जिसमें से x क्या बन गया, आपके उत्पाद बन गया, तो ये कितना बचा, ये आपके बचा a माइनस x, ये तो बचा देखो जीरो समय पर कोई जब रिएक्शन नहीं हुई तो इसकी मात्रा ए थी, इसकी मात्रा जीरो थी क्योंकि उत्पाद तो बढ़े नहीं था। फिर क्या किया, मान लो टी बराबर टी समय पर इसकी मात्रा बनी एक्स बनी, तो ये एक्स किसमें से बनी, अभिकारक में से तो बनी, तो अभिकारक ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं द्रव्य अनुपाती नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यानी गुलबर्ग वागे का नियम, याद आया गुलबर्ग वागे का नियम, 11वीं में पढ़ा था आपने 7वें चैप्टर में, द्रव्य अनुपाती नियम से ये क्या कहता है, अभिक्रिया की जो दर होती है ना, अभिक्रिया की दर आर, वो समानुपाती होती है किसके, ए के, मतलब सांद्रता के, और सांद्रता समानुपाती होती है के, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं के ए फर्स्ट से, और यहां पर ए बराबर कितना है, ए माइनस एक्स, टी बराबर टी समय पर बात करेंगे ए माइनस एक्स, तो आर बराबर के ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपने पढ़ा था रासायनिक बल गति के अनुसार, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार, देखो रासायनिक बल गति के अनुसार आपने क्या पढ़ा, अपना बोर्ड छोटा इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूं ना, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार आपने पढ़ा था जो वेग होता है, जो आर होता है, वो क्या होता है, वो सांद्रता में परिवर्तन होता है dx अपॉन dt। सर बिल्कुल सर, आपने एकदम सही पढ़ा, ये इक्वेशन दो हो गई, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो देखो, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं बाय वन एंड सेकेंड, मैं इनको लिख सकता हूं के ए माइनस एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, लिख सकता हूं सर। तो यहां से देखो डी टी को इधर भेज रहा हूं, एक्स को इधर भेज रहा हूं,
है ना। देखना ये के डी टी और ये आपके डीएक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, ये कर दिया। अब समाकलन करने पर, अब इनका क्या कर दो आप, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन से इंटीग्रेशन के डी टी बराबर इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो देखो के डी टी क्या क्या होगा, के तो नियतांक है, आगे आ जाएगा के क्या यहां पर वेग स्थिरांक है, के यहां पर क्या वेग स्थिरांक है, ये होने तो फिर मैं आपको यहां पर के ए एक्स क्या वो भी लिखा दूंगा के, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी होता है, ठीक है, डीटी का टी होता है। और ये क्या होता है देखो वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, लेकिन यहां पर माइनस में तो आप लिखोगे माइनस के एल एन ए माइनस एक्स, ये हो गया। और यहां पर आप लिख दो प्लस सी, कोई भी एक नेता होता है प्लस सी ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये हो गया। इस इक्वेशन को दे दो तीन नंबर। अब देखो प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में क्या जब अभिक्रिया नहीं हुई, जब अभिक्रिया नहीं हुई मतलब टी बराबर जीरो पर, जब प्रारंभ में क्या होगा टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो समय पर बात करें, जब टी बराबर जीरो होगा, जब टी बराबर जीरो होगा तो एक्स मना था क्या, उस टाइम एक्स मना ही नहीं था, तो ये एक्स कितना होगा जीरो होगा भैया, जब कोई पदार्थ की मात्रा ही नहीं मनी, तो यहां पर इसके अंदर लिख दो तो के इंटू जीरो प्लस सी बराबर माइनस एल एन ए माइनस जीरो, तो यहां से सी बराबर किसका है माइनस एल एन ए, ये मान मैं रख रहा हूं तीन में बाय थ्री एंड फोर, बाय थ्री एंड फोर, थ्री से मैं मान किसके थ्री, ये फोर का मान मैं थ्री में रख रहा हूं। तो देखो बहुत जगह कम है यार, इसको बड़ा लिखना था पर अब छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप एडजस्ट कर लेना। के टी एजीटी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये के टी की जगह के टी, और इस सी की जगह ये जो सी है ना ये सी, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं माइनस एल एन ए, माइनस एल एन ए, आपको बताया माइनस एल एन ए इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एल एन ए बराबर के टी, ठीक है। जब लॉग ए, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग एक भी होता है लॉग ए अपॉन बी, फॉर्मूला ही है ना, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा, बाकी मैं आपको साइड में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, भाई लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी ये फॉर्मूला होता है बराबर के टी, ठीक है। अब क्या करो ये के टी बराबर जो ये क्या है, ये लॉग नहीं एंटी लॉग है, इसको लॉग में चेंज करने के लिए आप क्या करो एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग टेन, एल एन को आप क्या लॉग में बदलने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो 2.303 लॉग टेन, ये आप यहां पर लिख सकते हो। तो के टी बराबर 2.303 लॉग टेन अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहां से के बराबर 2.303 लॉग टेन ए अपॉन ए माइनस एक्स, और यहां पर ये टी भी मैं इसके नीचे भेज रहा हूं ये टी, और ये जो फॉर्मूला है ना ये आपके वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है, वेग स्थिरांक के ये किसका फॉर्मूला है आपके ये वेग स्थिरांक का, किसका फॉर्मूला है आपके ये वेग स्थिरांक का, है ना। थोड़ा सा टफ था और छोटा छोटा भी लिखा, आपको कम समझ में आया होगा। देखो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, फिर इससे मैं आपको क्या बताऊंगा, इससे अर्धायुकाल भी निकाल लूंगा और इसके अंदर सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा वो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो भी मैं इसमें अभी करा दूंगा, दो मिनट रुकना। देखो अभिक्रिया ध्यान रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसकी घातों का योग एक होता है, सांद्रता की घात एक होती है, यहां पर घात कितनी एक है। द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या होता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो समानुपाती सांद्रता के, तो R बराबर के सांद्रता ए होगी। के क्या यहां पर कोई के यहां पर क्या आपके वेग स्थिरांक है, के यहां पर क्या वेग स्थिरांक है। तो अब देखो कोई मैं रिएक्शन बता रहा हूं, कोई रिएक्शन है ए, इससे कोई पी प्रोडक्ट बना, मतलब रिएक्शन हुई कोई ए अभिकारक था ऐसे पी प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, ठीक है। टी बराबर जीरो समय पर इसकी मात्रा ए थी और ये तो बने ही नहीं था तो इसकी मात्रा जीरो, फिर टी बराबर जीरो पर माना इसकी जो पी उत्पाद बना वो एक्स बना, तो ये कितना बचा ए माइनस एक्स ही तो बचा, ठीक है। फिर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार ये चीज यहां पर लिखी, बस एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया ए माइनस एक्स लिख दिया। पहला ये रासायनिक बल गति की कहती है कि जो वेग होता है ना, जो दर होती है ना, वो क्या होती है सांद्रता में परिवर्तन होती है, तो सांद्रता एक्स डीएक्स अपॉन डीटी
है ना, सांद्रता कितनी x है, तो इसको dx upon dt लिख करके लिख दिया, दोनों r r है बराबर करके लिख दिया, फिर कुछ नहीं किया, इनको पक्षांतरण करके वज्रगुणन कराया, वज्रगुणन के बाद में इनका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये चीज आई, और यहाँ पर प्रारंभ में मतलब फर्स्ट फर्स्ट जब ये अभिक्रिया नहीं हुई थी तब t बराबर जीरो पर x बराबर कितना था, जीरो था। तो ये इसके अंदर इसको सोल्व करने पर सी का मान आया, सी का मान इसके अंदर रखा, एलन को मैंने किसमें चेंज कर दिया, लोग के अंदर चेंज कर दिया, तो फाइनली जो हमारा वेग स्थिरांक का सूत्र आया क्या, वो आया के बराबर 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस x अपॉन t, ये इसका वेग स्थिरांक का फॉर्मूला आया। यहाँ पर देखो क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया वेग स्थिरांक गर स्थिरांक हो गया, t क्या है, t आपको पता है समय है, t क्या है समय है, a क्या है, a क्या है आपके प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है, शेष बची मात्रा, शेष मात्रा ठीक है ना, और x क्या है, अभिकृत मात्रा, अभिकृत अभिकृत यानी बनी हुई मात्रा, अभिकृत मात्रा यानी उत्पाद की जो मात्रा है वो है x यहां पर, ठीक है ना। तो अब इसको आप एक बार अच्छी तरह देख लो और नोट कर लो, है ना, तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसमें अगर ये पूछी तो नहीं है कि इसका अर्धायुकाल बताओ, लेकिन मैं ये चीज भी आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि इसका न्यूमेरिकल है कि अर्धायुकाल बताओ, तो ये मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, है ना, ठीक है। देखो अब जो मैं कर रहा हूं ना वो इस सवाल के अंदर नहीं पूछा, इस सवाल के ऑप्शन वाले में पूछा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, ठीक है, कैसे निकालना वो सिंपल है, ये जो फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूला के अंदर आपको क्या करना है, टी को तो चेंज करना है टी हाफ से और एक्स को चेंज करना है ए बाई टू से, इस फॉर्मूले के अंदर लिखो चलो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी को किसे चेंज करना है टी हाफ से, लॉग 10 ए की जगह ए माइनस ए, एक्स की जगह क्या लिखना है ए माइनस टू, तो ए बाई टू, बस इसको सोल्व करना है, टी हाफ को इधर भेज दो तो टी हाफ इज इक्वल टू मतलब टी हाफ यानी टी आधा है ना अर्धायुकाल के, यहां पर आ गया ये लॉग 10। अब देखो आप इसको सोल्व करो, आप इधर एलसीएम लोग इधर आ जाएगा, दो दो में से एक गया तो एक बचेगा और ये दो ऊपर चला जाएगा 2a अपॉन a और a से भी कट जाएगा, तो 2.303 अपॉन k और लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती 0.30 कितनी 0.30 इसकी वैल्यू होती है, याद कर लेना। तो जब इसको फाइनली आप सोल्व करते हो ना तो इसका आंसर आता है 0.693 अपॉन के, क्या आंसर आते हैं, अर्ध प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या आता है टी हाफ इजिकल टू क्या आता है आपके 0.693 अपॉन के, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप याद कर लेना, डायरेक्ट सवाल है और इसका एक सवाल तो हमने ऑप्शन वाले सवाल के अंदर भी किया था अगर आपको पता हो तो, ठीक है इसको भी आप नोट कर लो। अब क्या है जो इसका जो ऑप्शन मतलब इसके अंदर एक और क्वेश्चन, ये तो हमने फर्स्ट किया कि इसका वेग इस तरह ज्ञात करो ज्ञात कर लिया, अर्धायुकाल भी हमने ज्ञात कर लिया, अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ना वो है कि इसमें एक न्यूमेरिकल है, तो पहले आप ये नोट कर लो फिर हम वो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अब जो हमारे 22वें का सेकंड क्वेश्चन है वो है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान आपको इतना दे रखा है कि 0.693 × 10⁻¹⁴ सेकेंड यूनिवर्स दे रखा है, तो इसका अर्धायुकाल ज्ञात करो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी मैंने आपको अर्धायुकाल का फॉर्मूला बताया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के बताया, और आपको के का मान दे रखा है, वेग स्थिरांक कितना दे रखा है ये के, ये कही तो है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना दे रखा है 0.693 × 10⁻¹⁴। तो देखो ये तो ये कट गया, ये ऊपर चले जाएंगे, तो टी हाफ इज इक्वल टू 10⁻¹⁴
प्लस के 14, ये माइनस में ना ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 10^14 और समय का मात्रक होता है सेकंड। बस ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर कितना सिंपल था। लेकिन सिंपल कब, जब आप इसको फॉर्मूला पता हो, बाकी तो सब आरडी है, है ना। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 23वां, वो करना है। आपके टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे, तो ये हमारा 23वां, इसके अंदर तीन क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में भी तीन तीन क्वेश्चन है, लेकिन मैं यही वाला करूंगा, ठीक है ना। अगर वो आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा या उसकी वीडियो बना दूंगा। देखो इसके अंदर क्या है, पहला जो क्वेश्चन है 23वें का, वो है कि CH3CO2 दे रहेगा, इसके अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो X बनेगा, वापिस इस X के अभिक्रिया अन्योज के साथ में करोगे तो Y बनेगा और HCOOH बनेगा। तो आपको X और Y का पदार्थ कौन बनेगा कंपाउंड वो भी बताना, प्लस उसका IUPAC नाम भी बताना है। तो देखो क्या होता है, जब CH3CHO की अभिक्रिया Cl के साथ में करवाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ पर आगे 3 लाना है, कितना 3। जब इसके साथ अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हो, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होता है, यहाँ से 3H और यहाँ से 3L बाहर हो जाते हैं, -3HCl बाहर हो जाते हैं, कितने 3HCl बाहर। यहाँ पर क्या बचता है CCl3, यहाँ से मतलब देखो 6 थे, 6 में से 3 तो निकल गए, 3 बचे, ये 3 यहाँ पर जुड़ जाते हैं, CCl3CHO बनता है, CCl3CHO बनता है, मतलब X क्या बनता है CCl3CHO। अगर आपने पढ़ा है ना, तो ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि है, कौन से कौन किसकी विधि है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि, इसको आप क्लोरेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरेल, याद आया कुछ क्लोरेल। अब इस क्लोरेल की अभिक्रिया अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हो, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जब इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हो तो क्लोरोफॉर्म बनता है लास्ट में CHCl3 प्लस यहां पर दे रखा है HCOONA, क्या बनता है CHCl3, वैसे दो मोल बनते हैं इनके ना, CH3Cl प्लस HCOONA, इसको आप बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोलते हो आप। तो X की जगह तो क्या बनेगा क्लोरेल, Y की जगह क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म। अब हमको इनके नाम भी बताने हैं, तो X बराबर आपके क्या बना CCl3CHO और इसका नाम है 2,2,2 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और दो कार्बन है तो एथेनेल, क्या है ये एथेनेल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का नाम बता दू, Y=CHCl3 तो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेन, क्या बनता है इसको, क्या बोलता है ट्राइक्लोरो एथेन, या 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो और हाँ चलो ये सही है, ट्राइक्लोरो एथेन या 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन लो, तो एथेन एथेन, तो ये इसका हो गया आपके नाम। एक्स क्या बना क्लोरेल, वाई क्या बना क्लोरोफॉर्म, 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेन और 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन, ये इनका IUPAC नाम भी हो गए हैं। अब आपके जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर भी आपको क्या लिखना, उनका भी IUPAC नाम बताना है। मैं यहां पर लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन कि सक्सेनिक अम्ल का आपको IUPAC नाम बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले सक्सेनिक अम्ल क्या होता है वो देखो आप, सक्सेनिक अम्ल होता है CH2COOH CH2COOH, ये होता है सक्सेनिक अम्ल, है ना। अब इसको IUPAC नाम बताना है, तो कार्बन के लिए देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा, चार कार्बन पे क्या था ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन और कितना अम्ल है ओइक अम्ल है, दो है, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल है, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आपके थर्ड क्वेश्चन है ना, वो है कि आपको जो एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल द्विलग बनाता है, उसके बारे में बताना है। आप इसको नोट कर लिया, ठीक। थर्ड वो है कि एसिटिक अम्ल द्विलग बनाता है, उसकी संरचना बना दो। तो कितना सिंपल है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH, और ये क्या बनाता है द्विलग बनाता है, तो कैसे बनाता है देखो मैं यहां पर बनाकर बता देता हूं। ये CH3, ये C,
ये ओ एच और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहां पर सी, ये सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, ठीक है। ये एक सी एच थ्री, ये एक सी एच थ्री। अब देखो, अब इनके बीच में ये फोन आ रहा है, ऑक्सीजन और इनके बीच में क्या, फोन का मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन बंद है इनके बीच में, देखो ये हाइड्रोजन बंद है, कौन सा बंद, हाइड्रोजन बंद। तो ये इसकी द्विलक संरचना है, बस इतनी सी बताना है, द्विलक संरचना, ठीक है। तो ये आपके तेईसवीं का फर्स्ट भी हो गया है। वैसे इसके अंदर जैसे कुछ रिएक्शंस वाले हैं, वो रिएक्शंस वाले सवाल मैं आपको करवाना चाह रहा हूं, है ना, तो आप इसको नोट कर लो और फिर वो रिएक्शन वाले सवाल मैं आपको करवा देता हूं। तो देखो, मैंने तेईसवीं का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो तो आपको पूरा करा दिया है, लेकिन ये रिएक्शन वाले सवाल है, ये अगर आपको नहीं आते, टफ लगते हैं, तो ये रिएक्शन वाला और इसके ऑप्शन में जो रिएक्शन वाला है वो भी मैं आपको करवा देता हूं, है ना। जैसे है सिंपल, देखो CH3MgBr के बीच CO2 के साथ में करवाना, तो जो पदार्थ बनता है वो X है, और इसके बीच NH3 के साथ में करवा दो तो पदार्थ Y है, बताओ कैसे है, क्यों, कौन कौन से। तो देखो CH3MgBr की अभिक्रिया अगर मैं CO2 के साथ में करवाता हूं ना, तो जो पदार्थ बनता है वो देखो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O MgBr, क्या हुआ, यहां पर CO2 यहां पर जुड़ गया, ठीक है ना। जब भी ऐसा होता है ना, तो इसका अपन जल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो जल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहां से टूट जाता है, एच यहां पर जुड़ जाता है, ये टूटता है एच प्लस ओएच माइनस में, है ना। तो ये देखो, इसको तो आप बोलोगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एच है ना वो तो यहां पर जुड़ गया, और ये ओएच है ये एमजी के साथ में जुड़ जाता है, प्लस एमजी बी आर और ओ एच, ठीक है ना। तो आपके मेन रूप से जो एक्स बना, ये एक्स बना सी एस थ्री सी ओ एच, ठीक है, एक्स क्या बना सी एस थ्री सी ओ एच, ये भी लिख लो, उधर रखो ना, याद रखना। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करवानी है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच की अभिक्रिया आपको साथ में करवानी है एन एच थ्री के साथ में, किसके साथ में करवानी है, एन एच थ्री के साथ में इसकी अभिक्रिया करवानी है, ठीक है ना। इसके साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, अगर इसकी इसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एनएस टू और एच, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, भाई एनएस थ्री है तो मैं इसको एनएस टू एच लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, तो यहां से एच और ये ओ एच बाहर हो जाएंगे, माइनस एच टू यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चा जो यहां पर जुड़ जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और एनएस टू, कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां से कैसे बता दो आप, मिला आपको सी एच थ्री सी ओ ओ एच, और वाई मिला आपको सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है ना। क्या हुआ, यहां से एच टू निकल गया, तो आपको पता है इसको बोलते हैं एसिटामाइड, क्या बोलते हैं एसिटामाइड, और इसको आप बोलते हो मेथ एथ एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और इसका भी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, एसिटामाइड बोलो, या इसको बोल दो आप मेथिल मेथिल मेथेनेमाइड, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। यहां पर क्या हुआ, पहले तो CO2 जुड़ गया और फिर जल के साथ में रिएक्शन करवाई, तो ये बन गया आपके एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई, NH3 के साथ में करवाई, तो जल निकल गया और एसिटामाइड बना, ठीक है ना, ये आप उतार लो। अब जो आपके है ना अगला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर एडिपिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताना, एडिपिक अम्ल, ये भी मैं आपको बता देता हूं एडिपिक अम्ल का क्या होता है। जो एडिपिक अम्ल है ना, उसका सूत्र होता है सी एस टू सी एस टू सी ओ ओ एच, सी एस टू सी एस टू और सी ओ ओ एच, ठीक है। ये एक तरह से 22वें का ऑप्शन वाला सेकंड चल रहा है इसका, देखो नामकरण कर दो, एक दो तीन चार पांच छह, ये इसकी नंबरिंग कर दी, छह कार्बन होगी तो आप लिखोगे, देखो आप इसको क्या लिखोगे, एक दो तीन चार पांच छह हेक्सेन, हेक्सेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक अम्ल लिख दो, या हेक्सेन 1.6 डाइओइक अम्ल लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो हेक्सेन 1.6 डाई,
यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसको, एग्जाम 1.1.2 डाई ओइक अम्ल है, डाई ओइक हम ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, 1 पर और 6 पर जुड़ा हुआ है। ओके okay?